अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले हैं इफ्तारी एट जबले रहमत अराफात रमजान 2024। आइए देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है, खास तौर पे इस जगह पर पहाड़ पे बैठ के, जबले रहमान में बैठ के, मैदान अराफात। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मालिक फरीद। आज हम लोग इफ्तार के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं जबले रहमत की तरफ। जबले रहमत कहाँ है? जहाँ पर हज होती है, मीना, मुजदलिफा, अराफात। अराफात में है जबले रहमत, जबले अराफा भी कहते हैं जबले रहमत को। और इंशाल्लाह मक्का से हम लोग इफ्तार लेंगे। जो लोकल्स मक्का के यहाँ पर इफ्तार करते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लेंगे इंशाल्लाह, और फिर सीधे ही जाएंगे अराफात की तरफ। और हज की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस साल भी मैंने इंशाल्लाह शॉर्ट हज के साथ होना है, जिनके साथ मैंने लास्ट ईयर हज किया था। और ये लोग अपनी लग्जरी सर्विसेज देते हैं हज पे, ख़ास तौर पर जो 5 दिन वहाँ पर होते हैं हज में, हज के मकामात पे। मजीद डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और उनके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में होंगे। आइए सर। वालेकुम सलाम। आइए 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 आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरीद भाई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर। क्या बात है, आज तो बड़े चमक चमक रहे हैं आप। देखें मस्जिद के पास इधर इफ्तार लगने वाली है जनाब। क्या बात है, ये जो मेज़ा का इलाका है मावदा की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं और मलावी हमने जाना है। मक्के में ये रौनक है रमजान की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान 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 रमजान। अस्सलाम वालेकुम। करंट लगा दिए। नहीं, आप लोग ऐसे बेरिहानी में बैठे थे, मैंने कहा आपको फ्रेश कर दूं। ऐसे है मुबारक भाईजान, रमजान मुबारक। सिंधी भाव, सिंधी भाव। व्हाट्सएप पे बहुत सारे रमजान मुबारक हो गए हैं, लेकिन असली वाला रमजान मुबारक है। रमजान मुबारक मक्की भाई, आपकी बहुत याद आई मुझे, बहुत याद आई, बहुत याद आई। जब भी रोजा लगा आपकी याद आई कि आप आ जाते थे, हम भूखे मर जाते थे। क्या हाल है भाई? ठीक है। तू मेरे को रमजान के बाद मिल, रमजान के बाद में तेरा मैं करते है कुछ इंशाल्लाह। आज तो खर्चा, ये इधर भी है भाई, एक तेरा एक मेरा एक इसका एक उसका, सीधा पूरे पूरे हैं चार। ठीक है, क्या बात है। अभी नहीं खाना, हेलो रोजा है। ये खर्चा किसने किया, आपने या मक्की ने? मक्की ने, फ्रूट इसने, खजूर मैंने। अब जनाबे आला यहाँ पर दुकान पे आ गए हैं, यहाँ पे होते हैं मुअज्जनात। मुअज्जनात अब क्या बताऊँ, क्या होता है दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए इन चीजों को मुअज्जनात कहते हैं। अब्दुल भाई आप ले आए, आपने ही उठाने हैं जो उठाने हैं। देखिए रश कैसा लगा हुआ है, ये है अरब खाने भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। अरशद, अच्छा माशाल्लाह। चले फिर हमें ना मिक्स, देखें मिक्स जो सबसे मजेदार चीजें हैं ना वो दे दें। आज देखते हैं आप कैसी चीज बना के देते हो, ठीक है? आज अरशद भाई मिल गए, देखते हैं ये खुद इधर काम करते हैं, अच्छी चीज बना के देंगे भाई। अपने भाई पूरी दुनिया में फैले हुए, आप सिर्फ इधर खड़े होके फैले हुए हैं, पता है। देखिए यहाँ पे बकलावा भी है, ये गोल गोल घुमा हुआ पता नहीं क्या है, इधर पिज्जा विज्जा ये सारी चीजें हैं, ये नीचे बसबूसा है। हाँ हाँ हाँ, अरबियों के खाने। रश देखा है इधर कैसा है? देखे भाई कैसी जबरदस्त हैवी ब्रेड है, देखे मेरे हाथ के साथ कितनी बड़ी है ये। इसमें शोरमा बनवा के खाओ ना तो 2 दिन भूख नहीं लगनी। मरीना वाली रोटी भी भाई इधर से ही लेने लगे हैं। शरीक इसका नाम ऐसा याद हुआ है मुझे, पहले भूल गया था, इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चलो भाई ये गोल गोल रोटी माशाल्लाह, इधर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारी रोटी, ये ब्रेड है, बड़े खूबसूरत ब्रेड है यार, है ना? अभी तो भूख लगी है, अब चीज खूबसूरत और अच्छी लगेगी। हाँ, बकलावा वाली मिठाई भाई ने फ्री में दे दी जी, और दूसरी मिठाई हमने पैसों से ले ली, दूसरा जबरदस्ती बस भूसा। और बकाया चीजें हम लेंगे अवाली से इंशाल्लाह, क्योंकि अवाली अराफात के करीब है और हम लोगों ने आपको पता है इफ्तार करनी है जबले रहमत पे, और जबले रहमत है अरफात में। सुनो आई रमजान की साते, बढ़ा दी है अल्लाह हने नेमत। और अब मेरे आइडिया के मुताबिक चावल मुर्गी लेंगे। देखें ये सऊदीया की फेमस मुर्गी शवाया। देखना सामान पूरा दिया है उन्होंने, कम तो नहीं दिया, पूरा है। ये सूबी है भाई, एक काफी है? हाँ मेरे लिए काफी है। दो या एक? अगर इनके लिए लेना है अलग से ले लो। तो देख लो, फिर भी एक्स्ट्रा ना हो जाए।
हम लोग समोसे कुबे और एक और चीज है वो लेने के लिए आए हैं इधर, और ये सब कुछ आपको दिखाएंगे दस्तरखान। ये जनाब आला हम लोग इस टाइम पे अवाली में हैं, मक्का का मोस्ट पॉश एरिया। और अब आ गए मजाकल फूल के पास फूल लेने। फूल पे रश देखें यार, दो दो लाइनें लगी हुई हैं, इतने अजब आते हैं। शुक्रा चलें जी, अपना फूल भी आ गया। चलें जनाब, टाइम बहुत कम रह गया, कुल मिला के 40 मिनट होंगे, 45 मिनट से कम, 35 मिनट। चलो 5 मिनट अब्दुल भाई के। चलें जी, इस वक्त हम लोग मैदान अराफात में पहुंच चुके हैं, जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, और इफ्तार वगैरह हम लोगों ने उठा लिए, और इस टाइम पे रोजे में तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट बचे हैं, मतलब इफ्तार होने में। देखें इनकी शरारतें नहीं खत्म होती। आपकी ज़ियारत की है इन्होंने आज। ये मलबा मेरे ऊपर, ये भी आपके ऊपर। ये देखें जनाब, नहर जुबैदा के आसार यहाँ पर। ये नहर जुबैदा है, यहाँ से लोग पानी इस्तेमाल करते थे हज पे, और अहले मक्का ये बारिशों का पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। वो देखें मक्की भाई पहुंच ही गए होंगे। ये जनाब दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ हैं, हम लोग नहीं गए वहाँ से, इस तरफ से जा रहे हैं। अल्फाज में इस पहाड़ का मतलब ये है कि रहमत का पहाड़, जबल रहमत। अच्छा। और ख़ास तौर पे खुतबा हज्जतुल वदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर दिया था इस पहाड़ पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अरफा भी यहीं पर इसी पहाड़ के पास किया था, और इस पहाड़ का अहादीस में जिक्र जबल अरफा से भी है, मतलब अराफात का पहाड़। और ख़ास तौर पर ये जो ऊपर एक आपको मीनार बना हुआ नज़र आ रहा है, ये एक पिलर बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ निशानी के लिए है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर आप हज करने आएँ और जब हज पे आएँ तो यहाँ पर इस पहाड़ के पास ज़रूर आइएगा। सुन्नत है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा दिया, जिसमें ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत नहीं, और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, यानी कि सब इंसान बराबर हैं, सिर्फ वो लोग बेहतर हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं। तो ये खूबसूरती है इस्लाम की। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप नाज़रीन सब को अल्लाह ताला हज की तौफीक अता फरमाए, आप लोग आए यहाँ पर मक्का मदीना की ज़ियारत करें, और मुझे ख़ास तौर पे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लें जनाब आला, हमारे यहाँ पर इफ्तार लग चुकी है। शुरेक माल्टे, इधर चावल है ऑरेंज, यस ये चावल है माशाल्लाह। इधर हमारे पास फहम चिकन, मतलब जो कोयले पर बनी हुई होती है। यहाँ पर हमारे पास दो किस्म का बसबूसा है, उन्होंने चार पूरे दिए। ये जनाब आला हमारा है अजवा खजूर। ये कौन सी है माजिद भाई? खजूर सुगई, ये सुगई खजूर। यहाँ पर हमारे पास बकलावा वगैरह है, इधर सूबिया, ये फूल, ये पिज्ज़ा, और इधर हमारे पास समोसे, और ये इसका क्या नाम था यार? नहीं कुछ और है, ये रोल दुजाज है, कोई चिकन रोल है, और ये कुब्बा है, और यहाँ पर अंदर एक चीज़ छुप के बैठी हुई है, शवाया चिकन। ये देखिए केले, और ये रोटी है, और यहाँ पर देखें ये क्या, मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। अरे ले। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है दही, और ये देसी घी, और यहाँ पर है जनाब आला हमारे पास रायता, ये चावलों के साथ लिए, और मुर्गी हमारी यहाँ पर सज गई है। चलें जी, रोज़ा खुल गया माशाल्लाह, दोबारा रोटी भी खुल गई है। ये देखें देसी घी आया जनाब हमारे फूल के ऊपर, और ये कंधारी नान की तरह है जनाब, इसको हम फूल के साथ इंशाल्लाह। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब आला हमारी कंधारी नान, यार यहाँ से भी कंधारी नान मिल गया हमें, लेकिन इसका नाम कुछ और हो गया यहाँ पे अरब्स में। फूल के साथ स्पेशल देसी घी वाला फूल आया है, बहुत मज़ा आ रहा है, ख़ास तौर पे इस जगह पर पहाड़ पे बैठ के, जबल रहमत में बैठ के, मैदान अराफात, सुभान अल्लाह। हैं वाजिद भाई जी? भाई आपको तो मज़ा नहीं आ रहा? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी अल्लाह ताला की करम नवाजी है बेशक। इस तरह हमारा चावल मुर्गा, भाई ने चटनी दी है स्पेशल। ये मक्की भाई
मोहब्बत से सूबिया जो है ना डाल के नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए मैंने फिर ज़बरदस्ती इनको कहा डाल दी। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब आला कोई चिकन रोल इन्होंने दिए थे, ये नई आइटम है हमारे लिए, ये जिसमें समोसे बनाते हैं ना उसी रोटी के अंदर ही इन्होंने रोल किया हुआ इसको। अच्छा है यार, मज़ेदार है। और इधर हमारे अरबी समोसे छोटे छोटे, और ये पांच समोसे कितने के दिए हैं यार? छः रियाल के पांच समोसे। और ये चार कुब्बे दिए हैं 5 रियाल, 6 रियाल के भाई। ये 4 दिए हैं 9 रियाल। हाँ ये सबसे महंगी है, 4 9 रियाल की। मज़ेदार तो थी वैसे, महंगी है, समोसे सही है बराबर है लेकिन महंगे हैं। यह है हमारा कुब्बा, इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सही बारीक करके चिकन डाली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस समोसा है जनाब मीठा। कैसा है माजू भाई? छे ज़्यादा मीठा खा के दिखाओ, खा के मीठा तो ज़्यादा है। क्या बोला? मीठा कुब्बा, मीठा कुब्बा। ये देखें इससे ज़्यादा मिलता है, ये देखें इससे ज़्यादा मिलता है, इससे मुझसे मैं मीठा ही। अलग है तरावी रोजों की शान, मजा सहरी अफ्तारी का कब कहाँ, जुदा शान है लैलतुल कद्र की। चलें जी इफ्तार कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। और जहाँ पर बैठे थे वो जगह थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, इसलिए नीचे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो मंज़र है ना अराफात के मैदान का, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये हमारी नमाज की जगह बन गई माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे इमाम साहब जो है ना नमाज भी दस्तरखान पे ही पढ़ेंगे, अभी सारे काम वही करते हैं, तो मैंने कहा नमाज भी उधर ही कर लें। कालीन इधर तीन जो है नमाजी उनके लिए हुआ दे रहे जिसके ऊपर, और इमाम साहब जो है ना उनको ये सत्र की जगह भी बन गई, आगे से कोई गुजरे तो इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी बड़ा मज़ा आया आज की इफ्तार करके अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हज के बारे में आपको बताऊंगा, तो इस साल इंशाल्लाह मैंने होना है शॉर्ट हज के साथ, जो अपनी प्रीमियम सर्विसेज देते हैं हज में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या आप पाकिस्तान में हैं तो भी आप शॉर्ट हज की सर्विस ले सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट लिखी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और शॉर्ट हज जो है मकतब नंबर 1 में होता है, और जितनी भी पॉसिबल प्रीमियम सर्विसेज होती हैं जैसे कि प्राइवेट वाशरूम्स, बूफे सिस्टम खाने में, और आपको सोफ़ा कम बेड, जिस तरीके से मैंने लास्ट हज की थी उनके साथ वो सारी सर्विसेज आपको हज पे देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इस साल हज पे आने के लिए तो आप ज़रूर शॉर्ट हज को एक बार चेक कर सकते हैं। तो हज की जो वीडियोस मैंने उनके साथ लास्ट हज पे बनाई थी यहाँ पर आपको मिल रही हैं, और पहले रमज़ान को इफ्तार की थी हम लोगों ने मस्जिद नबवी में, वो वीडियो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये तमाम वीडियोज़ देखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मस्त है यार, कितना अच्छा लगता है देख के सब, कैसी रौनक है एकदम। वो इन्होंने वही बोला ना कि लाइक तभी मक्का मदीना तो ऐसे मतलब ना रात हो ही नहीं होगी, हर जगह पे खिला लाइट्स, कहीं पे ग्रुप चल रहा है, कहीं पे ये चीजें बांट रहे हैं, हर जगह पे जबरदस्त रौनक चल रहा है। वाओ कितना अच्छा लग रहा होगा ना देखने में। हां बोलते ना मस्त एकदम, इसलिए और बोलता रहता अभी ये पूरा महीने ज्यादा करके हमको रमजान का एक आध वीडियो करना ही है रोज। हाँ हाँ सीधी बात है, तो बहुत कुछ देखने भी मिलेगा गाइस, आप लोग कमेंट करते रहे ना किसके वीडियोस, काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं इसलिए मेरे को पता लग रहा है, तो और कमेंट करो। बट आप उनको इनका ना वो लास्ट ईयर का भी देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि वो बोले ना पूरी सर्विस एंड ऑल द शेयर कुछ ना अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।